Friends, today we will continue the class about how is the life in the high mountain area. We will know about the northeastern states. The eastern Himalaya range cover the 7 states of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. These states are also called 7 sisters. Look at the map of India. These are the map of 7 sisters: Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland. These are the 7 sisters. They are called 7 sisters. The major occupation in these states is farming. Means is area mein zyadatar logo ke jo occupation hai that are farming. The people here are mostly tribals, but many of them are getting educated. Means yahan pe zyadatar log jo hai wo tribal hain, जनजाति हैं जो जंगलों में रहते हैं, बट दे आर एडुकेटिंग नाउ. वो लोग आजकल अब पढ़ने लिखने लगे हैं. ऑल दीज स्टेट्स हैव देयर ओन कल्चर एंड पीपल हेयर आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस. मीन्स यहाँ जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स का अपना एक कल्चर है एंड वहाँ के सारे लोग जो हैं म्यूजिक को पसंद करते हैं, डांस को पसंद करते हैं. दे वियर देयर कलरफुल ट्रेडिशनल क्लॉथ्स. हर स्टेट्स का अपना अपना ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है, वो उसे पसंद करते हैं और ज़्यादातर एरिया में वो काफ़ी कलरफुल ही होते हैं. अमॉन्ग द 7 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट. अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है. ईटानगर इज़ द इट्स कैपिटल. ईटानगर इसकी राजधानी है. वी विल लुक एट द मैप. दिस इज अरुणाचल प्रदेश. दिस इज द नॉर्थ साइड, मीन्स नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ दिस 7 सिस्टर्स. द रिवर ब्रह्मपुत्र इंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट. आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में है, बहती है, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में इसी स्टेट मीन्स अरुणाचल प्रदेश से ही होकर गुजरती है, इंटर करती है, प्रवेश करती है. द बोडोज आर द वन ऑफ मेजर ट्राइबल्स हेयर. बोडो जो है यहाँ की एक जाति है, प्रमुख जाति है. एंड द मेन ऑक्यूपेशन आर फार्मिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. यहाँ के लोग जो हैं फार्मिंग और शिकार भी हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जमा करते हैं. सेकेंड वन अबाउट द असम. असम इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अमॉन्ग द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. असम जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है, मीन स्टेट है. मीन्स इस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. इन 7 राज्यों में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो असम में ही है. मेघालय, हाँ, वन मोर थिंग, असम इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन. असम की चाय भी काफ़ी फेमस है. यहाँ पे काफ़ी एरिया में टी प्लांटेशन किया जाता है. थर्ड वन इज़ मेघालय. मेघालय विच मीन्स द होम ऑफ क्लाउड्स. मेघ जोर आलय. मेघ का मतलब है बादल, आलय का मतलब है घर, और मीन्स होम ऑफ क्लाउड्स. इट इज़ लोकेटेड ऑन द खासी, जयंतिया एंड गारो हिल्स. माशीन राम एंड चेरापूंजी विच रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन मेघालय. माशीन राम और चेरापूंजी जगह है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होती है. इन प्लेसेस वेयर द रेनफॉल इज़ वेरी हाई, जिस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पीपुल लिव इन हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट. आप देखे होंगे, यू नो अबाउट द हाउसेज, टाइप ऑफ हाउसेज. तो हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट इस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ वेटलैंड्स होते हैं, उस एरिया के लिए इस तरह का हाउस यूज़ किया जाता है. फोर्थ वन इज़ नागालैंड. द नागाज बिलोंग्स टू नागालैंड. नागा जो ट्राइबल हैं वो नागाज ट्राइबल, दे लिव इन द नागालैंड. दिस लुक एट द नागा कपल, दे आर नागाज. कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड. नेक्स्ट वन इज़ मणिपुर. मणिपुर स्टेट लाइज टू द साउथ ऑफ नागालैंड. इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर. द लैंग्वेज स्पोकन इज मणिपुरी. यहाँ के लोग जो है मणिपुरी भाषा बोलते हैं. द मणिपुरी डांस इज फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म. मणिपुरी डांस काफ़ी फेमस है इंडिया में, दैट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म. Mm-hmm.